डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास सिक्स के लिए है। पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 को समझाया था, आज आपकी एक्सरसाइज है 1.2। तो पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 को समझाया था, अब आपकी क्या है एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। आज हम ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें जो ये नंबर हैं, ये नंबर अभी इंडियन सिस्टम में दिए गए हैं और हमें इनको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो सभी लोग देखें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ज़रा इसको पेंसिल मोड पर लगा लें। यहाँ लिखा हो 3.48.75.629। तो ये इंडियन सिस्टम में क्या होता है, सबसे लास्ट में पहले 3 नंबर 1, 2, 3, फिर कॉमा, उसके बाद 2, 2 पर होता है, ठीक है ना। जैसे 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें करोड़ और लाख आता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है 1, 2, 3 पे कॉमा लगा है, उसमें हर 3 पर कॉमा होता है। अपने इंडियन सिस्टम में 2, 2 पर कॉमा होता है, पर उसमें 3, 3 पर ही कॉमा रहता है। चलिए हम नंबर को लिख लेते हैं ऊपर। नंबर था क्या आपका 3, फिर 4, फिर 8, फिर 7, थोड़ा दूर दूर रखेंगे 5, फिर 6, फिर 2, और उसके बाद लास्ट में 9। अब देखिए 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3, फिर यहाँ पर फिर कॉमा। अब 1, 2 तीसरा नंबर है नहीं, बस 1, 2 है, बस छोड़ दीजिए। तो ये क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा 34,875,629। जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें लाख करोड़ होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर उसके बाद क्या है 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, फिर मिलियन के बाद बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस प्रकार से। तो सेम हमें इन सभी नंबरों को ऐसे ही करना है। जहाँ पर देखो इनमें 2, 2 पर कॉमा लगा हुआ है, हमें 3, 3 पर कॉमा लगाना है। सेम इसमें, उसी प्रकार इसमें, उसी प्रकार इसमें। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन करिएगा, जब ना आए तब मैं आपको बता दूंगा। अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में क्या लिखा है, पुट द कॉमा टू सेपरेट द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। हमें इन नंबर्स में क्या है, सेपरेट जगह पर कॉमा भी लगाना है और इनको नंबर नेम में भी लिखना है, मतलब वर्ड्स में लिखना है। देखिएगा 1, 2, 3, तो यहाँ कॉमा कहाँ आएगा, कॉमा आएगा यहाँ 6 के बाद। यहाँ पर कॉमा ऊपर नहीं, कॉमा नीचे आएगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको खाली। 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, एक कॉमा यहाँ पर आएगा 0 के बाद, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 830,476,000 और उसके बाद 58। इस प्रकार से हम इसको नंबर नेम में लिख देंगे, पहले कॉमा लगाना है फिर नंबर नेम में लिखना है। सेम प्रकार से इसको, उसी प्रकार से सेकंड वाले को, फिर थर्ड, फिर 4, और उसके बाद 5। अब है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछा गया देखो लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया लेस देन और ग्रेटर देन। तो सबसे पहले मैं सिंबल बनाते, थोड़ा बड़ा सा ये बना लिया सिंबल हमने, ठीक है ना। हम दूसरा सिंबल नहीं बनाएंगे, जो अभी सिंबल बनाया हमने, कौन सा वाला, ये वाला नहीं बनाएंगे, वो चीज़ एक ही है, बस समझो बस। जो ये कॉर्नर है, जो आपको ये कॉर्नर दिख रहा है नुकीला सा, जिस तरफ ये नुकीला हिस्सा होगा वो नंबर होता है छोटा वाला। इसे मान लो इस तरह भी नुकीला हिस्सा है तो ये नंबर छोटा होगा, जिस तरह भी ये मुंह खुला हुआ है उस तरफ का नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। अब अगर इसको घुमा दिया जाए, मान लो इसको घुमा दें अगर हम, तो अब ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे क्या है, मुंह से कई बार पढ़ नहीं पाते हैं कि पूरा नंबर लिखा क्या है। जैसे मान लो ये नंबर से पढ़ना है
तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, तो ये लिखा है 1,02,394। वहीं ये नंबर लिखा है 99,887। तो ये जो बड़े नंबर होते हैं ना, बच्चे क्या पहचान नहीं पाते, कई बार बच्चे धोखा खा लेते हैं कि पता नहीं ये बड़ा है कि ये बड़ा है। उन्होंने देखा यहाँ पर नाइन लिखा है तो मतलब नाइन बड़ा है, यहाँ वन लिखा है वन छोटा है, कई बार ये गलतियाँ कर लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा नंबर को पता करने के लिए। सबसे पहले आप नंबर्स को काउंट करो कि ये कितने डेट का नंबर है। जैसे ये वाला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डेट का नंबर है। वहीं पर ये 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर जो है वो है 5 डेट का नंबर है। तो ये 5 डेट का नंबर है, ये 6 डेट का नंबर है। जब इस प्रकार समझे कि एक साइड का नंबर कम डेट का है, एक साइड का नंबर ज़्यादा डेट का है, तो जो नंबर ज़्यादा डेट का है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप बिना कहे आँख मिच के इसको साइन लगा दो इस प्रकार से, जिस तरह मुँह खुला है वो बड़ा है, जिस तरह नोक है वो छोटा है। अब आते हैं सेकंड नंबर में, कहीं पर कंडीशन चेंज हो सकती है, कई बार दोनों साइड नंबर बराबर होते हैं। जैसे कि देखो सेकंड वाला काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस साइड भी 7 डिजिट का नंबर है और इस साइड भी 7 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर बराबर हैं आपस में। हाँ, बस ये है कि ये संख्याओं में बराबर हैं। 7 नंबर इस साइड भी हैं, 7 नंबर इस साइड भी हैं, तो संख्या में तो बराबर हैं, पर नंबर वाकई बराबर है कि नहीं ये पता कैसे करें। अब देखो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको नंबर का पढ़ना नहीं आता है पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नंबर पहचान तो है कि 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, आप इससे भी पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है। इसका फर्स्ट नंबर, ये भी 2 है, तो फर्स्ट नंबर दोनों के बराबर हैं। सेकंड नंबर, ये 5 है, इसका सेकंड नंबर, ये भी 5 है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड पे आते हैं, इसका तो थर्ड नंबर है, जो थर्ड नंबर इसका है वो है 0। वहीं जो ये नंबर है इसका थर्ड नंबर क्या है, 1। तो ये देखो ये नंबर बड़ा है और इसका थर्ड नंबर छोटा है, इससे ही कन्फर्म हो गया कि इस साइड का नंबर क्या है, इस साइड का नंबर हमारा बड़ा है और उस साइड का नंबर क्या है, छोटा है। अब लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से साइन। जब तक नंबर सेम है आप आगे बढ़ते जाओ, अगर दोनों साइड का नंबर क्या है बराबर है, यहाँ भी 7 है वहाँ भी 7 है, तो फिर आप फर्स्ट नंबर कब देखो दोनों का, दोनों का फर्स्ट नंबर कैसा है। अगर इस साइड बड़ा है इस साइड छोटा है तो फर्स्ट नंबर से क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट बराबर है तो आप सेकंड देखो, सेकंड बराबर है थर्ड देखो, थर्ड बराबर है फोर्थ देखो, फोर बराबर है फाइव देखो, फाइव बराबर है सिक्स नंबर देखो, सिक्स भी बराबर है सेवन नंबर देखो, कोई तो छोटा बड़ा होगा। अगर मान लो सेवन इस साइड बराबर है, सेवन इस साइड बराबर, दोनों साइड नंबर बराबर हैं, तो फिर दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर पहले देखो इक्वल टू नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक साइड नंबर छोटा होगा और कोई भी एक साइड नंबर बड़ा होगा। तो अब थर्ड नंबर आपको करना है और फोर्थ नंबर भी आपको ही करना है। अब आते हैं फोर नंबर में, क्वेश्चन नंबर फोर है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स को करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे भी छोटा बड़ा किया था हमने, तो यहाँ भी हमें छोटा बड़ा पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबसे पहले हम सभी नंबर्स को काउंट करेंगे, सभी नंबर कितने डिजिट के हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट हैं इसमें। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर डिजिट हैं, यहाँ पर 9 डिजिट, यहाँ पर 7 डिजिट। चलिए अब आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी 7 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 डिजिट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी 8 डिजिट। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 9 डिजिट का, तो इसका मतलब क्या, ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर दो नंबर 7 डिजिट के, तो ये आपस में हमें कंपेयर करना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर यहाँ पर 8 डिजिट के नंबर, तो 9 डिजिट नंबर से छोटे नंबर हैं ये वाले, इससे भी छोटे हैं ये वाले क्योंकि 7 डिजिट के हैं। अब देखेंगे 7 डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो
यहाँ पर क्या है सिक्स, यहाँ पर क्या है एट, सेवन एट का नंबर ये भी है, सेवन एट का नंबर ये भी है, पर इसमें है सिक्स इसमें है एट, छोटा ये वाला है बड़ा ये वाला है, यहाँ लिख देंगे वन नंबर और यहाँ लिख देंगे टू नंबर, मतलब पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा। अब आते हैं एट वालों के पास, तो एट वाले में देखो पहला नंबर जो है इसमें है वन और इस वाले में है सिक्स, तो अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे इसको फिर लिखेंगे इसको। अब थर्ड नंबर पे आएगा ये वाला नंबर, ये थर्ड नंबर पे आएगा, इसमें वन है इसमें सिक्स है तो ये बड़ा है इससे, तो ये आएगा फोर्थ नंबर पे, तो सबसे बड़ा हमारा ये वाला है तो ये आएगा फाइव नंबर पे। तो हमसे पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे पहले आएगा ये वाला नंबर, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला, फिर थर्ड वाले पे ये वाला, फिर फोर्थ वाले पे ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला। सेम इसी प्रकार से हमें इस सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है, तो आप लोग उसको फाइंड आउट करिएगा, जब ना आए तब मुझसे पूछ लीजिएगा। अब है फाइव नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर क्या पूछा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ठीक इसका उल्टा, किसका असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा। असेंडिंग में क्या सबसे पहले आता है छोटा नंबर, पर डिसेंडिंग में आता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो अब हम फिर से काउंट करेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये नंबर है हमारा एट डेट का। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये भी एट डिजिट का नंबर है, चलो ठीक है। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन डिजिट का नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये नंबर हमारा एट डिजिट का है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये नंबर हमारा सेवन डिजिट का है। अब चलिए पता करते हैं कौन से नंबर कितने डिजिट के हैं। तो देखो हमारे पास एक नंबर ये एट डिजिट का है, ये भी एट डिजिट का है, ये भी एट डिजिट का है, तीन नंबर हमारे पास एट डिजिट के हैं और दो नंबर हमारे पास सेवन डिजिट के हैं। देखिएगा जो सेवन डिजिट के नंबर हैं वो सबसे छोटे नंबर हैं, जो नंबर एट डिजिट के हैं वो सबसे बड़े नंबर हैं। अब यहाँ पर तीन नंबर बड़े नंबर हैं, अब तीनों सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट से, तो फाइव फाइव और ये भी फाइव, तीनों फाइव फाइव हैं, तो मतलब तीनों बराबर हैं फर्स्ट डिजिट से, जो पहली डिजिट है उससे तीनों बराबर हैं। सेकंड पे आते हैं तो सिक्स सिक्स और ये भी सिक्स, अब भी तीनों बराबर हैं, तीनों ही सिक्स हैं। अब आते हैं थर्ड डिजिट पे, तो नाइन नाइन और ये भी नाइन, अब भी तीनों बराबर हैं। अब आते हैं फोर्थ डिजिट पे, तो फोर फोर और ये भी फोर, अब भी तीनों बराबर हैं। अब आते हैं फिफ्थ डेट पे, तो ये है थ्री, ये भी थ्री और ये है फोर, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है ये वाला, ये आ गया वन नंबर पे। अब देखिए अब बचे ये दो नंबर, तो यहाँ पर भी थ्री यहाँ पर भी थ्री, अभी दोनों बराबर हैं। अब आते हैं किस नंबर पे, सिक्स नंबर पे, तो ये सिक्स नंबर पे ये थ्री है और ये वाला टू है, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये आएगा सेकंड नंबर पे और ये आएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए अब आते हैं सेवन एट नंबर पे, एक नंबर ये सेवन एट का है, एक ये नंबर सेवन एट का है, देखिए ये फाइव ये भी फाइव, ये सिक्स सेकंड नंबर इसका सिक्स है, इसका नाइन है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ आएगा फोर और ये आएगा फाइव, मतलब सबसे पहले नंबर पे नंबर लिखेंगे ये वाला, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये वाला नंबर है, फिर उससे छोटा ये वाला नंबर है, फिर उससे छोटा ये वाला नंबर है, सबसे छोटा हमारा ये वाला नंबर है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिए फर्स्ट वाले को, उसी प्रकार से हम करेंगे सेकंड वाले को, तो ये भी आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे दो क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है शिफ्ट द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय इंटरचेंजिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट। जो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है और जो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है, उन दोनों को हमें आपस में इंटरचेंज करना है,
समझते हैं। सबसे बड़ा जो डेट है वो कौन सा है, तो भाई यहाँ पर है 9। एक 9 देखो इसमें और दे रखा है। सबसे जो स्मॉलेस्ट डेट है वो क्या है, 1। ग्रेटेस्ट डेट क्या है, 9 है। स्मॉलेस्ट डेट क्या है, 1 है। तो थोड़ा क्वेश्चन ने भी हम लोगों क्या है कन्फ्यूजन डाल दिया है। अब यहाँ पर 2 9 है बड़े नंबर के, अब दोनों में से हम किसको चेंज कर दें, तो आप चाहे जिसको चेंज कर देना कोई दिक्कत नहीं। पर देखो ग्रेटेस्ट 9 में भी देखो ये है फर्स्ट डेट पे, ग्रेटेस्ट 9 में इसे पढ़ेंगे सिर्फ 9, और इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 90,000। वैसे ये 96,000 लिखा है, लेकिन अगर सिर्फ 9 को लेकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 90,000। 9 का प्लेस वैल्यू है वो 90,000 है, तो इस हिसाब से ये बड़ा नंबर है और ये 9 छोटा नंबर है प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग। तो बड़े अकॉर्डिंग हम इस 9 को ले लेंगे और 1 को ले लेंगे, 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जब हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो 9 की जगह लिख देंगे 1 और 1 की जगह लिख देंगे 9, जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 7416499 ये नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इसको करना है, इसी प्रकार से आपको इसको करना है। लिखा शिफ्ट द डेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय एंटरिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डेट, जो सबसे बड़ी डेट है जो सबसे स्मॉलेस्ट डेट है उनको हमें चेंज करना है। तो 9 यहाँ पर सबसे बड़ी डेट है और 1 सबसे छोटी डेट है। इसी प्रकार से सेम आपको इसमें देखो सबसे बड़ा डेट कौन सा है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 की जगह पर 8, 8 की जगह पर 3। वैसे इसमें देखो सबसे बड़ा डेट कौन सा है, यहाँ पर 9 है और यहाँ ये 1 है, तो 1 की जगह 9, 9 की जगह 1, और आपका नंबर नया नंबर बन जाएगा। अब है 7 नंबर। शिफ्ट द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एट 100 एंड 1000 प्लेस, जो डिजिट 100 प्लेस पर है और जो 1000 प्लेस पर है उनको हमें आपस में इंटरचेंज करना है। देखिए यहाँ पर 1s, 10s, 100, तो 100 पर क्या है 5 है और 1000 पर क्या है 1 है, तो 1 की जगह हम 5 लिख देंगे, 5 जगह 1 लिख देंगे, तो नया नंबर क्या बनेगा, 955135। इसके बाद यहाँ पर देखिए 100 पर ये है, 1000 पे ये है, 8 की जगह 6, 6 की जगह 8, तो नया नंबर क्या बनेगा, 416846। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 है 100 पर और 7 है 1000 पर, तो 7 की जगह 3, 3 की जगह 7, तो हमारा नया नंबर क्या बनेगा, 383768। इस प्रकार से हमारा ये नंबर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी सभी आप लोग करिए। अगर कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन पे तो आप कमेंट करिए या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।